audio jungle assalamu alaikum friends, welcome to my channel kainat the world. To aaj main banane ja rahi hu chicken kya tha ha chicken jahapana. To aaj main chicken jahapana banane ja rahi hu aur main thoda usme aaj ghar walon ka gussa nikal ke chicken banaungi क्योंकि आज मेरा बहुत ही डिस्टर्ब दिन रहा है. वैसे तो शुरुआत अच्छी रही थी, हम पीटीएम में गए थे, आज बच्चों का रिज़ल्ट निकला है और रिज़ल्ट निकलने के बाद में हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे और बस फिर ऐसे ऐसे दिन कट गया. लेकिन घर से आई थी एक बुरी खबर कि पापा को कुछ प्रॉब्लम हो गई है. तो बस उसमें ही थोड़ा सा मेरा मन डिस्टर्ब रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कुछ ठीक है. पापा भी ठीक हैं, मम्मा भी ठीक हैं, अल्लाह करे उनको हमेशा अच्छा रखे, ठीक रखे. और तो मैं ये चिकन कल लेके आई थी, तो कल भी नहीं बना पाई थी. फिर मैंने सोचा ज़्यादा फ्रिज में रखना अच्छा नहीं होता है, तो आज मुझे बनाना था. तो दोपहर में भी बस ऐसे ही मेरा मन ख़राब हो गया तो नहीं बना पाई. तो अभी मैं शाम से थोड़ा सोची कि जल्दी आज बना लेती हूँ. तो अभी मैं जल्दी में सोच रही हूँ कि आज मैं शुरुआत कर देती हूँ बनाने की. तो वैसे तो मैं चिकन कौरमा बनाने वाली थी, लेकिन वही है कि मैं कुछ अलग करना चाहती थी, अलग बनाना चाहती थी. चिकन कौरमा तो वैसे रेगुलर बनता ही है, फरीद जी को बहुत पसंद है चिकन कौरमा, तो ज़्यादातर उनके टाइम में तो मैं चिकन कौरमा ही बनाती हूँ. एक्सपेरिमेंट कम करती हूँ क्योंकि उनका डर लग रहा था, पता नहीं एक्सपेरिमेंट उनको पसंद, क्योंकि वो बहुत सिंपल खाना खाते हैं, वो बहुत रेगुलर खाने खाते हैं. हम लोग कहीं होटल में भी जाते हैं तो वो बहुत ही बेसिक खाने पसंद करते हैं अपने लिए, कुछ भी अलग अलग नहीं. अलग अलग तो मैं ही पसंद करती हूँ कि लाइफ में एक्सपेरिमेंट होते रहना चाहिए. तो इसलिए तो अभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी मैं बनाती हूँ चिकन जहापना. लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स अभी हो रही है तैयारी रात के डिनर की. रात के डिनर तो आज बन रहे हैं हमारे घर में चिकन लेग पीस. मम्मी बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं हमारी. फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसमें सारे मसाले मैंने मिलाए हैं, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये सारे मसाले मिला के और दही, लेमन जूस सब मिला के मैंने इसे मिक्स कर दिया है अच्छे से. अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए थोड़ी देर रख दूंगी, लगभग 1 से 2 घंटा. तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, अब मैंने थोड़ा सा पैन में रोस्ट करूंगी. तो फ्रेंड्स ये मेरा चिकन बिल्कुल रेडी हो रहा है. इसमें मैंने वही जो मसाला रोस्ट करके पीसा था वो डाल दिया है. तो फ्रेंड्स ये मेरा चिकन जहापना एकदम रेडी है. आज ये मेरा चिकन जहापना खाएंगे जो लोग, पनाह मांगेंगे आज. तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा ये चिकन जहापना रेडी है और फैज को मेरे लेग पीस पसंद है, ये तो ये उसके लिए है. ग्रेवी थोड़ी कमी दे रही हूँ फैज को क्योंकि थोड़ा तीखा भी हो सकता है तो फैज नहीं खाएंगे. गाइस मम्मी ने तो बहुत टेस्टी बनाया है, बहुत टेस्टी, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा. और मैंने तो सोचा था कि जब मैं खाना खा लूँगा उसके बाद बताऊँगा, लेकिन मुझसे वेट नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था पहले मैं बता दूँ तो बहुत टेस्टी बना है. आई लव यू मम्मा, बहुत टेस्टी बना है. और अच्छी बात ये कि मम्मी ने इतनी परेशानी में इतना अच्छा बनाया है. वाओ हम कैसा बना है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान.
वो फिर नहीं आती, वो फिर नहीं आती। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है, सुनो दोस्तों शक्की दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो, कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो, बाद में प्यारे की चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फ्रेंड्स, ये गाना बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है, और ये मूवी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फिल्म आपकी कसम। जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखें, तभी वो ज़िंदगी की वैल्यू करना सीखेंगे और जो उनके साथ हैं उनकी वैल्यू करना सीखेंगे। मतलब ऐसा हो जाता है कि आँखों पे ऐसी चीज़ें छा जाती हैं कि बस इंसान अपनी सोच के हिसाब से ही वो देखता है, उसको वो जो देखना चाहता है बस वही देखता है, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी दूसरे के व्यू को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। जब भी हम एक अपना अहम, अपना ईगो लेके चलते हैं ना, तो कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और जब कुछ रिलेशन होती हैं, दो लोगों की रिलेशन हो, तीन की, कोई ग्रुप हो, जो भी हो रिलेशन हो, उसमें ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रस्ट और रिस्पेक्ट साथ लेके चलते हैं तो ही आप लव तक पहुंच सकते हैं, वरना तो ऐसे बोलते रहने से थोड़ी होता है कि मोहब्बत है, या मोहब्बत हम बहुत ज़्यादा करते हैं, केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। केयर या मोहब्बत का इजहार तो वैसे करना होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो दिख जाता है। तो फ्रेंड्स, ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कि इसी वजह से मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि मतलब इसी वजह से नहीं, मतलब ये गाना सोच रही थी, गुनगुना रही थी, तो बस उस गाने को लेके मैं आप सबको ये बस कहना चाहूँगी कि जो भी आपके पास है उसकी वैल्यू ज़रूर करें, ठीक है। वो आपके पास है तो किसी वजह से है, उसे अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, तो उसकी इज्जत करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसे ही वो कुछ चीज़ आ गई, अगर वो चीज़ आपके पास है, वो कोई इंसान आपके पास है, तो उसकी वैल्यू ज़रूर करें, क्योंकि वो दिया हुआ अल्लाह पाक का है, अल्लाह पाक ने आपको दिया है। अगर आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अब आप क्या कर रहे हैं, आप अल्लाह के मतलब बनाए हुए फैसले को मतलब मैं मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, क्योंकि मैं इतनी माहिर नहीं हूँ शब्दों में। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो भी है, पैसा, इज्जत, इंसान, कुछ भी है, हमें सबकी वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें उसे नवाजा है, अल्लाह ने हमें उसे दिया है, और अल्लाह को पता है कि किसको क्या देना चाहिए, वो उसी हिसाब से तय करता है, और कभी किसी का बुरा करता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता किसी का भी बुरा। बुरा तब होता है जब हमारे कर्म बुरे होते हैं, हम बुरे होते हैं तब हमारे साथ बुरा होता है। तो फ्रेंड्स, इस मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ में मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और हाँ, अपने चिकन जहाँपना के बारे में तो मैंने आप लोग को बताया ही नहीं कि मैं अपना चिकन जहाँपना आज बड़े मन से बना रही थी, लेकिन बीच की बहुत सारी चीज़ें स्किप हो गई, वो मेरा घर से फ़ोन आ गया था, मैं मम्मा पापा से बात करने लगी थी, पापा थोड़े डिस्टर्ब थे, परेशान थे, तो बस मैं उनसे बात करने लगी, और उसके बाद में बात करते करते मैं अपना ये खाना बना रही थी, तो जिस वजह से वो सब ध्यान ही भूल गई मुझे वो करने के लिए। तो कोई बात नहीं, बस एंड तो दिख गया ना क्या मैंने ये बनाया था, और आज काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि फैज़ की जब तबीयत ख़राब थी तो उसे परहेज़ ही खाना चल रहा था, जिस वजह से मैं ये सब नहीं बना रही थी, और फैज़ को तो चिकन ही बहुत पसंद है, तो आज तो उसकी ईद हो गई है, बहुत खुश हुआ है वो, उसके लिए मैंने बहुत सोच के बनाया था कि ठीक है मैं थोड़ा सा कुछ अलग बनाऊंगी, क्योंकि वो भी कोरमा से बोर हो चुका है। और चिकन चिली भी मैंने पहले मैं बहुत बनाती थी, तो अभी चिकन चिली वही है ना, कोई चीज़ बनाते रहो तो उससे इंसान बोर हो जाता है, तो मैंने इसको बोला कि चलो आज मैं थोड़ा सा अलग बनाती हूँ कुछ, तो आज तुम ये खाओ। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी इसलिए, क्योंकि अब नाम उसका ऐसा है शाही, तो थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा था स्पाइसी हो गया है क्या, लेकिन नहीं, उसने तो कंप्लेन ही नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने कंप्लेन नहीं की, और बहुत अच्छे से खाया है। तो
तो बस फिर मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप सब जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं और जो लोग नहीं भी देख रहे हैं, अल्लाह के बनाए हुए बंदे सारे, सबको अल्लाह पाक हिफाजत से रखे अपने और अपने ईमान में रखे और हिदायत दे उनको कि वो सही सोच सकें, सही समझ सकें और उसी हिसाब से अपने काम, अपने फैसले अच्छे कर सकें। कई बार हम अपने ईगो में आके, कई बार हम अपने अहम में आके बहुत सारे फैसले गलत कर देते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ मन बेचैन होता है और हमें कोई चीज़ रॉन्ग लगती है तो शांत हो जाएं और शांति से दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करें, मिलके बातें करें और सब कुछ ठीक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं और व्लॉग नहीं बढ़ाती हूँ, अब मैं यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे व्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत। हेडिंग बहुत हो रहा है आज, मैं बहुत सारा रोई हूँ।